हाय दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस एस स्टील एस पी पे। तो आइए, ये एच पी एल वाला गेट बना रहे हैं, देखते हैं इसका रिपीट कैसे लगाते हैं। ठीक है, जो इसकी ये रिपीट होती है इसको लगाने के लिए कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कुछ लोग जो जानते हैं उसको बहुत आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो आइए देखते हैं इसको कैसे फिटिंग करते हैं। लगाने के लिए इस पर यहाँ पे रिपीट करने के लिए इसका नाप मैं निकाला हूँ अभी। ठीक है, तो दिखाता हूँ कैसे उसको करना है। चलिए स्टार्ट। उधर यहाँ पे पाइप लगी हुई है 16.5 पे और दूसरी पाइप लगी हुई है 26.5 पे। ठीक है, तो 26.5 और 16.5 हम मार्किंग कर लिए हैं और ये मार्किंग लगाएंगे और ये खींच लेंगे चीना, पहले इसका मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, मार्कर लाल है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको। ये वाली देखिए लाइन है, अब इस पे हम छेद करके और स्क्रू करते जाएंगे। ये जो कसना है पेच रिपीट है, इसको पेच रिपीट स्क्रू जो भी बोल लीजिए अपनी अपनी भाषा में। ठीक है, और ये आपको बराबर देखना है, अगर चाहे कि बराबर दिखे तो इसका भी चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक पे लगाया है, ये आया हुआ है 12.25 पे। ठीक है, तो ये 13.25 है इधर से, तो इसको भी 13.25 कर लेंगे तो ये सीधे में दिखेगा ये भी। ठीक है, प्लस का मार्किंग कर लेंगे, थोड़ा सफेद वाली खोजो यार, दिख रहा है। ये लाइट जला दो, हम प्लस करेंगे 25.5 सफेद होता तो ज्यादा दिखता। इतना है 13.25 37.5 जैसा दिखेगा ये। ठीक, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये जो घुमाने वाला पलटा होता है उसको घुमाने वाला मैं बना के मैंने ऐसे बनाया हुआ है, अंदर से भी बाहर से भी। ऐसे ही होल करके और इसी डाल के काट लेंगे। ठीक है, सकते हैं हमने सीट पूरा पहले से कटिंग कर लिया है, उसकी साइज अभी कंफर्म करनी है, वो थोड़ा 19-20 है अभी, उसको रेडी करेंगे। पहले एक पार्ट आपको दिखा देते हैं, ये हमने सीट पूरा कटिंग कर लिया है जो एसपीएल की सीट है। ठीक है, ये जो नाप साइज भी होनी है जो भी है वो सब कटिंग कर लिए हैं, और ये होल पहले नहीं करना है, होल अगर स्टील में पहले कर लेंगे तो रिपीट लगाने में दिक्कत होगी। तो ये देख सकते हैं ड्रिल है और हम होल डायरेक्ट सीट के साथ कर रहे हैं। ये रिपीट पता नहीं कितने की है ये नहीं मालूम है, लेकिन इसका होल हो रहा है 5 mm का। ये जो
पाना लगाए हैं हम, ये 5 mm का लगा हुआ है, 5 mm का बिट लगाएंगे तो परफेक्ट बैठेगा, देख सकते हैं ये, न ज़्यादा ढीला है और न ज़्यादा टाइट है, फर्स्ट क्लास की बनेगी। चल करो तो आइए दिखाते हैं इसका होल कैसे करना है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा बिल्कुल। बिट आपको अच्छी कंपनी का लेना है, IT कंपनी का आता है, बिट अच्छी कंपनी का लेंगे तो अच्छा चलेगा, होल हो जाएगा आराम से। ये देख सकते हैं एक बात और, ये देख सकते हैं मैंने ये मार्किंग किया हुआ है, हल्का सा दिख रहा होगा इसमें, और इधर भी है, इधर भी है, ये रेड कलर है इसलिए कम दिख रहा होगा थोड़ा नज़दीक से, ये बहुत हल्की मार्किंग हुई है, ये जो मतलब हमने रिपीट लगा रहा है ना, ये लाल पे लगा रहे हैं, इस पर मार्किंग किया हुआ है मैंने, इसके क्योंकि इसके उस साइड में अपोजिट साइड में पाइप लगी हुई है, तो इसका मैंने पहले नाप कर लिया है, नाप करके उस पर फिर मैंने मार्किंग किया है ऐसे। चल करो, ये हमारी पाइप लगी हुई है, इसका सेंटर है 11 इंची, ठीक है, ये 11 इंची इसका सेंटर है, और दूसरा है 21.25 इंची। आप कितने पे लगा रहे हैं वो देखना पड़ेगा, मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ। इस पर अगर लगाना होगा स्क्रू तो इसका नाप लेना है, इस पर लगाना होगा तो इसका नाप लेना है, ठीक है। तो ये मैंने 11 है 21 है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे 11 21 ये मैंने मार्किंग कर लिया है पहले से, ठीक है। इसी पे हम स्क्रू करते जाएंगे, एक यहाँ हुआ है और इधर से 11.25 है, तो इधर भी मैंने मार्किंग किया हुआ है, ये देख सकते हैं, और ये हम मैंने इसको ऐसे पटिया लगा के और चीना पाइप लगा के इसका मैंने इसके मार्किंग कर लिया था, और उसी पे होल करते रहेंगे और स्क्रू कसते रहेंगे। दिखाते हैं, ये होल हो गया है हमारा, 5 mm का ड्रिल मैंने किया हुआ है, और ये आ गया, ये मशीनें बहुत तरह की आती हैं, हैवी आती है, बड़ी आती है, हमको काम चलाना है, बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैंने छोटी मशीन लिया था, थोड़ा ताकत ज़्यादा लगती है इसमें, ठीक है। ये देख सकते हैं, बड़ी मशीन लेंगे तो थोड़ा कटने में आसान रहता है। ये हो गया, होल करेंगे, ये इसके नीचे पाइप है, अपोजिट साइड में उल्टा साइड में इसके पाइप लगी हुई है, तो इसका हम कहीं भी होल कर सकते हैं, जैसे आराम से होल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। इसको लगा लगा के काटते रहें, नहीं तो पैर में धंसने का चांस होता है, जैसे ये है, अभी सभी में लगा लगा के छोड़ देंगे, पैर पड़ जाएगा तो इसमें छेद हो जाएगा पैर में, ठीक है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें ये लगाएं उसको कटिंग कर लें। मशीन थोड़ी मेरी हल्की है इसलिए दिक्कत हो रही है, हैवी रहेगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इधर पाइप लगी हुई है, तो ये पहले से मैंने इसका नाप निकाल लिया था और उधर मार्किंग कर लिए थे, तो इसी पे होल करके और कस देना है फीड को। इसका मार्किंग कर रहे हैं जहाँ पे हमको रिपीट लगानी है, ये देख सकते हैं, पहले इसका नाप निकालेंगे, 6 इंची है, 11 इंची है, 6 इंची, 11 इंची, 6.25, 16.5 और 21.3 और ये है 26.5, 26.4 और ये है 31.5, 31.4 और ये है 37.36, 36.6, ठीक है। तो ये वाली मार्किंग हम इस पे लगा लेंगे और ये देख सकते हैं, ये मैंने मार्किंग लगा लिया है, ठीक है।
इसको हम ऐसे मार्किंग करेंगे। ओ रिपीट, ये हो गया। अब इस पे हम रिपीट लगा लेंगे आराम से। तो ये मैंने इसका भाग कर लिया इसको बराबर लगाने के लिए। तो इसके सीध में जैसे एक सीध में दिखाई दे तो इसको हम फिर इसमें मार्किंग कर लेंगे। ताकि ये इधर उधर ना हो। अब आइए होल करते हैं सीधा सीधा कर लेंगे। पानी डालते रहेंगे एक लोग। थोड़ा बना लें है, ये मैंने रोक लिया इसको। अब आगे छेद करते जाएंगे। बनाना पड़ेगा बार बार क्योंकि जल रहा है।